वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का दिन मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज है, चलो दिखाती हूँ कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आज घर पे हूँ मैं एंड या लेट मी टेक यू थ्रू द डे। तो चलो, एंड अभी हम कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत ही क्यूट से मेहमान से मिलाती हूँ। तो चलो, मैं कौन हूँ? बुआ। हाँ बुआ, बोलो बुआ। बुआ बोलो क्यूटी, कौन है, कौन है? हाँ बोलो, यहाँ रखू, ये देखो बेबी से मिलने जा रहे हैं। ओ ये हमारा क्यूटी बेबी, ओ कितना प्यारा है ये। ये सोया हुआ है, ये नहीं उठ रहा है। ये ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा स्माइल कर रहा है ये। स्माइली स्माइली। हम बेबी के लिए ये गिफ्ट लाए हैं, अभी दिखाती हूँ। ये देखो क्यूट से कड़े, कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से पतले बहुत हैं। ओ ये तो इसके कितने छोटू से हाथ है, उठ गया उठ गया, पर इसके हाथ लंबे लंबे हैं, है ना। इसके कितने प्यारे से हाथ, बेचारे को जबरदस्ती पहना ही दिए कड़े। इसको लूज है पर पहना दिए हमने। कन्नू कन्नू क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो कन्नू? हेड कहाँ है? नोज, नोजी, आईज, टीथ, चीक, चीक कहाँ है? चीक, चीक, ईयर, ईयर कहाँ है? ईयर, ईयर, ओ होर की एल्बो, एल्बो, एल्बो। आई हैव रीच्ड होम नाउ और इतनी क्यूट बच्चे मैं उनसे मिलके आई, और जो न्यू बॉर्न है इतना क्यूट है, वो इतना क्यूट है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मतलब मैंने उसको देखा नहीं, वो कैसे देखता है, इधर उधर कैसे देखता है और कैसा कैसे रिएक्ट करता है, मुझे वो देखना था, लेकिन उसने आँखें नहीं खोली अपनी और सोया रहा वो पूरा टाइम जब भी मैं वहाँ थी। तो अब मैं फिर से जाऊँगी उससे मिलने कभी। क्यूटी क्यूटी से बच्चे, यार बच्चों को देख के ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा दिल ऐसे खुश सा हो जाता है। लाइक बच्चों को मिलाओ तो उनसे बार बार मिलने का मन करता है कि हाँ कैसी वो हरकतें से करते हैं। वो जो दोनों बेबीज़ वो बड़े हो गए हैं, वो भी जब छोटे थे ना तो मुझे बहुत प्यारे लगते थे, अभी भी लगते हैं, बट अब वो उनकी वैसे हरकतें नहीं है। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हैं, वो देखने में और उसको ऑब्जर्व करने में बहुत मज़ा आता है। और उसके छोटे छोटे से हैंड्स थे, वो बहुत क्यूट है। लेकिन मैं उसको उठा नहीं पाई गोदी में भी अपने, क्योंकि वो सो रहा था और हम धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो अभी उसको तो मैं मिला ही, उसको मैंने गिफ्ट भी दिया। अब मैं जाऊँगी मार्केट, तो मार्केट में कुछ काम है, तो चलो फिर मार्केट जाके आते हैं। मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हो रही है अब, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बाल कटवाने, तो मैं सोच रही हूँ यार थोड़ा लुक थोड़ा चेंज करती हूँ, और बाल मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये कटवाने का। मैंने कटवाए थे, मैंने व्लॉग भी डाला था, तो उसमें फिर से मेरे उतने ही हो गए बाल। तो अब मेरे को लगता है 1 या 1.5 साल हो गया उस बात को। तो फिर से आज, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई थी वैसे बाल कटवा के, पर फिर से मेरे को चुल सी मच रही है कि कटवाऊँ मैं अपने बाल, तो अब क्या करूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। चलो देखते हैं।
होगी मेरी कटिंग दस के में सही लग रही है। अगो भी पिछो देख बढ़िया लग रही है यार। कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं हो गए है मेरे बाल? उन्हें फटाफट कितना पजाता मेनू फिर। ये ब्लो ड्रायर चल जूगा कल तक? अंजलि इधर देख, ऐसी लग रही है तो। इसकी मेहंदी तो अच्छी लग रही है। वाओ नाइस मेहंदी। आप कितने सालों से मेहंदी लगा रहे हो? 20 साल। मतलब आपने हमेशा से यही काम किया? वैसे कहाँ से हो आप? मैंने फैशन डिजाइनिंग का काम किया। अच्छा, वो भी किया था। फैशन डिजाइनिंग में फिर क्या मतलब आउटफिट बनाते थे आप? हाँ, जो लाइन चेंज कर दिया था। अच्छा, पर आपको क्रिएटिव काम ही पसंद है? बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी के काम से 3 बार बाहर घूमे हैं मैं फॉरेन कंट्री। ओह, कौन कौन सी कंट्री है आप? मैं सबसे पहले गया था इटली में। अच्छा, वहाँ मेहंदी लगाने गए थे? हाँ, मेहंदी लगाने 2015 और 2017 में गया था रशिया कजाकिस्तान। और अभी मैं 1 महीना पहले आया हूँ मॉरिशस जाके, अभी आया हूँ उनसे। तो वहाँ मतलब वहाँ लोगों को ये पसंद है? बहुत पसंद है लोगों को, बहुत ज़्यादा। अब हम आ गए हैं पार्क में अपनी मेहंदी सुखाने, तो फिर मिलते हैं मेहंदी सुखा के फिर घर जाएंगे। देखो मेरी मेहंदी ऐसे लगी है। तो बताओ यार, सही से बताओ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? कितने छोटे हो गए हैं यार ये। पर इस वाला, ये वाला जो सलून वाला था ना, इस सैलून में ना मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया, इतने फटाफट मेरे बाल काट दिए कि मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं कर पाई। और लेकिन पिछली बार जब मैंने कटवाए थे उसने तो इतना धीरे धीरे आराम आराम से 3 घंटे लगा के मेरे बाल काटे थे, ये इसने फटाफट कर दिए और ये मेरे बाल हैं इस वक्त। हाँ, धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होगा अब कि मैंने क्या कर दिया। ये मेहंदी भी लग गई है, पूरी वाइब आ रही है शादी टाइप। वहाँ पे वो लोग शिमला में अपनी मेहंदी सेरेमनी कर रहे हैं, अभी उनको वीडियो कॉल करी थी मैंने, और यहाँ पे हमने कर ली मेहंदी सेरेमनी। तो या मम्मा देखो मेरे हेयर कट कैसे लग रहा है। सही है, ज़्यादा तो नहीं कट। फाइनली घर पे आ गए हम और मेरे बाल, मुझे इस पर ही सही लग रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने हेयर कट कराया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख कि हाय मेरे बाल, बट ओके मेरे बाल। हाँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है, नहीं सब ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, यू नो आई ऑलवेज वांटेड दीज हेयर। या ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, बढ़ जाएंगे ये, बढ़ जाएंगे। एंड सही है, थोड़े हल्के से हो गए यार मेरे बाल। मम्मा बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, सही है। और ये मेरी मेहंदी ऐसा हो गया स्टेन। और मैं खाने के लिए सैंडविच लेके आई हूँ 15 सेक्टर में, जो वो सैंडविच मिलते हैं ना, जस्ट खाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी है। सुबह से हम लोग निकल गए थे, वाले भैया थे वो सो गुड, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई यार उन्होंने, एंड अपनी स्टोरीज भी सुनाई, तो ही वॉज़ वेरी लाइक वेरी स्वीट पर्सन। एंड हमने थोड़ा बार्गेनिंग भी किया कि भैया नहीं इतना नहीं इतना, सो इट वॉज़ अ गुड डे टिल नाउ। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं कल डांस करने वाली हूँ, तो मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ अब।
तो यही है बस, इसके बाद डांस की प्रैक्टिस करूँगी, कुछ खाती हूँ, एंड दैट वॉज प्रिटी मच द डे। थोड़ा हेक्टिक था वहाँ बैठना, वेट करना ना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी ठीक है। और शिमला में उनकी मेहंदी की तैयारियाँ खूब चल रही हैं, वो लोग, उनको मैंने वीडियो कॉल की तो वो गाने वाने पूरे गाने वाने लगा के हरे कपड़े पहन के लगे हुए हैं वो, तो दैट वॉज ऑल्सो गुड टू सी दैट। एंड चलो अप्पा भी नची है, या वी आर लाइक वी आर सो एक्साइटेड। अब थोड़ी थोड़ी ऐसे फीलिंग आ रही है कि शादी है, बताओ कमेंट्स में यार ये सही डिसीजन है कि नहीं। नहीं नहीं मत बताना, मैं बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड हो जाऊँगी। ठीक है, परफेक्ट है, जो हो गया अच्छा हुआ। आगे कुछ करती हूँ तो इसमें ऐड कर दूँगी, नहीं तो यहीं व्लॉग को एंड करते हैं। एंड 5 बज गए, ओह माय गुडनेस, फिर तो मुझे बहुत काम है। ओके देन, दैट्स द व्लॉग, आई विल सी अनदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल सी अनदर वन, बाय। यार मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, जो मेहंदी है उसका स्टेन तो कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं सुबह तक चढ़ेगी या नहीं। देखो ऐसी है ये, हाथ में ऐसी है, नज़र ही नहीं आ रही है ये। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पीछे नहीं चढ़ रही है, गॉड सुबह तक क्या होगा, क्या होगा अब सुबह। यार कैमरा में थोड़ी सी दिख रही है, एक्चुअल में तो बिल्कुल ही नज़र आ रही है। प्लीज़ भगवान चढ़ जाए, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है वरना। मम्मी दे, मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही हूँ, देखो मैंने यही डिज़ाइन देखा था, वो भैया यही बना रहे थे, मैंने भी ऐसे ही बना दिया। आई एम सो टैलेंटेड यू नो, दैट्स वाई। अच्छा इसके बाद क्या किया उसने।